हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विजडम क्लासेस। तो बेसिकली आज हमें पढ़ना है जॉन मिल्टन के बारे में ना। क्लासेस में हमने जॉन मिल्टन को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, रिवीजन क्लास है ना। तो जल्दी जल्दी हम बस उनके फैक्ट्स को पढ़ते चलेंगे ना। बाकी डिटेल स्टडी हमने क्लासेस में काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कन्फर्म कर लिया, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज हमारा जॉन मिल्टन। 1608 में इनका जन्म हुआ, 74 में जो इनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, विलियम शेक्सपियर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ वर्क्स बचे हुए हैं, लास्ट में अगर समय मिलता है तो उसको देखा जाएगा, अदरवाइज उसको हम सब अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बाकी क्लासेस रात में हम सब ग्रामर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो जॉन मिल्टन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है, उसको डिस्कस करते चलते हैं। एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ, ठीक है। जन्म की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1608 में इनका जन्म होता है। विलियम जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ होता है? 9 दिसंबर 1608 में ब्रेड स्ट्रीट में, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ब्रेड स्ट्रीट काउंटी का नाम है इनका चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है। इनका ये बेसिकली बात हुई कहाँ इनका जन्म कब और कहाँ होता है। तो 9 दिसंबर 1608 वो दिन है, 9 दिसंबर 1608। मृत्यु होती है 8 नवंबर 1674 में, 65 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, बन हिल, इंग्लैंड, लंदन में, ठीक है। तो लंदन में ही इनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है। पेरेंट्स की बात की जाए तो फादर का नाम देखो जॉन मिल्टन ही। आप सभी को इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि जितने भी हमारे बुक में करने के मतलब सिलेबस जितने भी हमारे सामने ऑथर्स दिए गए हैं, सबके फादर का नाम जो है क्या है, सेम है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फादर का नाम क्या है यहाँ पर देखो दोस्तों, जॉन मिल्टन है। और मदर का नाम क्या है इनके, सारा जेफरी है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एजुकेशन की बात की जाए जी, गुड आफ्टरनून रुचि, एजुकेशन की बात की जाए तो सेंट पॉल स्कूल लंदन में उन्होंने पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी गए थे ये। तो उस स्कूल का अगर आपसे नाम पूछे कि इन्होंने किस स्कूल में पढ़ाई की थी, तो बेसिकली उस स्कूल का नाम क्या है, सेंट पॉल स्कूल। स्कूल का नाम इनका क्या है दोस्तों, कृष्णा नमस्ते, ठीक है। स्कूल का नाम देखो सेंट पॉल जो है इनके स्कूल का नाम है दोस्तों। और कॉलेज अगर आपसे पूछे तो एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपसे। हो सकता है कि ये पूछे कि इन्होंने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी ना, ये क्वेश्चन देखो बनता है। एक प्रैक्टिस सेट में अपन ने देखा भी था, तो इसको ध्यान देना, कैम्ब्रिज में गए थे ये, ठीक है। इस कॉलेज का नाम क्राइस्ट कॉलेज है, स्कूल का नाम इनका क्या है, सेंट पॉल स्कूल, जो कि लंदन का है, ठीक है दोस्तों। चलो, स्पाउसेस की बात की जाए तो इनकी शादियाँ, 3 शादियाँ इन्होंने की थी। 1642 में इन्होंने शादी किया था मैरी पॉवेल से, ठीक है। 1656 में इन्होंने कैथरीन वुडकॉक से शादी किया, और आगे चल के इन्होंने 1663 में एलिजाबेथ मिंसल से भी इन्होंने शादी की थी, ठीक है। आसमान जी, गुड आफ्टरनून। तो देखो, एक सिंस ये ब्लाइंड हो चुके थे, तो हो सकता है शादी इनका नीड बन चुका हो ना, तो जो भी रीजन्स हो, बट इन्होंने 3 शादियाँ की थी। तो आपको ईयर याद होना चाहिए अच्छे से, अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं है लेट करने के लिए ना। तो आपको एकदम स्मार्ट वे में आपको ईयर याद होना चाहिए सभी इनके तीनों मैरिजेस के, 42, 56 और 63। 3 साल हैं बस, 42, 56, 63, 3 शादियाँ उन्होंने की, मैरी पॉवेल, एलिजाबेथ वुडकॉक, ठीक है, और सॉरी कैथरीन वुडकॉक, एलिजाबेथ मिंसल। इतनी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा आप अच्छे से अपने माइंड में फिट कर रहिए ना, हो सकता है आपको एग्जामिनेशंस में कुछ हेल्प वहाँ से मिल जाए ना। और अभी जी ममता, गुड आफ्टरनून मैम। अभी देखो, मैंने टेलीग्राम में एक वीडियो शेयर किया था, मेरा बेसिकली वो पुराना वीडियो है ना, पुराना वीडियो था उस करीब 4-5 महीने पहले की। तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें इम्पोर्टेंट कोट्स डिस्कस किए हैं, तो आप चाहे इसको चेक कर देना। ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे। देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो कोई भी एक ऑथर किसी एक एज से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, ये बात आप सब जानते हो। हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एजेस को डिस्कस किया है, अभी टाइम नहीं है, दरअसल इसको भी पढ़। देखो तो विलियम जो इनका जन्म की बात की जाए तो 1608 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो ये जैकोबियन एज में भी बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये लेट एलिजाबेथन पोएट थे। इनका जो मेन काम स्टार्ट हुआ है, जो मेन वर्क अपने लिखने स्टार्ट किए कॉमनवेल्थ पीरियड में, देखो इन्होंने एक सिविल सर्वेंट क्या इनका पोस्ट क्या था आप सबको पता होगा, मैंने डिस्कस भी किया है। ये जो थे फॉरेन लैंग्वेज करके एक पोस्ट था, मीन्स फॉरेन मिनिस्ट्री में जो था इनका क्या, भाषा वाला जो डिपार्टमेंट था वो दिया गया था जॉन मिल्टन को, ओलिवर
क्रॉमवेल के शासन काल में, जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं इंग्लैंड में। उसके बाद रेस्टोरेशन आता है, जब चार्ल्स सेकेंड को जो है वापस गद्दी पे दिया जाता है ना, आपको पता होगा इतनी बातें। तो रेस्टोरेशन एज में इन्होंने अपने तीन सुपर वर्क्स को पब्लिश करवाया रेस्टोरेशन पीरियड में, ठीक है, 1649 में। रेस्टोरेशन में इनका तीन बहुत ही सुपर वर्क्स आ गए। कौन कौन से वर्क्स थे इनके? पैराडाइज लोस्ट आया 1667 में, और उसके बाद आपका ये आया पैराडाइज रिगेंड आया, सैमसन एगोनिस्ट आया, और उसकी ठीक सेकेंड पब्लिकेशन भी आया 74 में इनकी डेथ हो गई। तो आप एक ऑथर को किसी एज एक से बिलोंग नहीं करोगे, रिलेटेड एलिजाबेथन पोएट हैं, बात ठीक है, जैकोबियन में भी ये है, ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड में भी ये इन्होंने अपना वर्क दिया था, और उसके बाद इन्होंने जो था एक रेस्टोरेशन पीरियड में, तो फिर आप सब जानते होंगे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स को अपने पब्लिश करवाए थे, ठीक है। पूजा गुड आफ्टरनून। चलो इनके पीरियड की बात की जाए तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने, यहाँ से हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो 1625 टू 1660 तक के पीरियड को हम सब जो है मिल्टोनिक पीरियड कहते हैं ना, मिल्टन एज कहते हैं, मिल्टोनिक पीरियड कहते हैं। अब जिस किसी भी नाम से उसको जाने, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है नीरज, हेलो। चलो तो इतनी बातें जो हैं आप सभी लोग समझते चलो ना, जो मैं बता रहा हूँ जो लिखी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद इसको भी ध्यान देना यहाँ पे एजेस को ना, अगर आपको एज में कोई प्रॉब्लम होती होगी तो बताना, मैं 10-15 मिनट छोटा सा एक जो है एज पे भी वो कर दूंगा डिस्कशन ना, अगर दिक्कत हो तो। चलो ऑथर्स की लाइफ की ओर सर्वे की जाए तो इनके फादर क्या थे, तो इनके फादर क्या थे, स्क्रिवेनर बाय ट्रेड थे, अ पर्सन हु जॉब इज टू एबल टू रीड एंड राइट, हु ऑल्सो डेबल्स एज अ कंपोजर ऑफ चर्च म्यूजिक। तो बेसिकली जो इनके फादर के आपसे प्रोफेशन तो पूछता नहीं है, वैसे अगर पूछे तो आप सब जान जाइए कि इनके फादर क्या थे, एक स्क्रिवेनर थे। स्क्रिवेनर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम क्या होता है, चीज़ों को पढ़ना लिखना, ठीक है। शुरू से ही एक अच्छे खासे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं जॉन मिल्टन, ये आप सब जानते होंगे। सबसे अच्छे जो फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो उसमें जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्थी दो नाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी कहा जाता था। लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहे जाने के पीछे का रीजन क्या था, दो रीजन था। सबसे पहले तो ये क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, क्राइस्ट कॉलेज में उन्होंने अपनी स्टडी की, तो क्राइस्ट कॉलेज वहाँ से आ गया। और बाकी जो इनका स्ट्रक्चर था ना, इनके हेयर कॉम्प्लेक्शन कैसे थे, ओवल फेस था, ग्रे आइज थी, इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, मतलब इनका रंग कैसा था, बहुत ज़्यादा गोरा था, इस वजह से जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी कहा जाता था। इतनी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर कंसर्न में रखिएगा अपने, इसको आप सब भूलिएगा मत, ठीक है। 1620 में इन्होंने अपना जो है एजुकेशन करियर स्टार्ट किया, जो 1608 में इनका जन्म हुआ है, इसको आप माइंड में रख के बाकी सारे एजेस को डिस्कस करोगे, ठीक है। 1620 में 12 साल की उम्र में मिल्टन को सेंट पॉल्स स्कूल भेजा गया, कहाँ पर, लंदन में, सेंट पॉल स्कूल इन लंदन। मिल्टन जाते हैं 1620 ईस्वी में 12 साल की उम्र में, ठीक है। तो ये एक आपका एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। हिज फर्स्ट डेटेबल कंपोजिशंस वर टू साम डन एट द एज ऑफ 15 एट लॉन्ग बेनिंगटन। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ, जॉन मिल्टन ने दो साम्स भी लिखे थे। साम्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कोट्स वगैरह होते हैं ना, उसी को हम सब कहते हैं। तो उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना पहला राइटिंग का काम शुरू किया था, ठीक है। इन्होंने दो साम्स बेसिकली जो भजन टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं उसको कहते हैं साम्स ना, तो इन्होंने लिखा था 1625, ठीक है। 1625 में इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना एडमिशन ले लिया 1625 में, ठीक है। 1608 में, 1620 में यहाँ पढ़े, उसके 5 साल बाद यहाँ पे इन्होंने एडमिशन करवा दिया, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी स्टडी की थी। आगे देखो 1626 जो ईयर आता है जॉन मिल्टन के लिए एक लाइफ चेंजिंग ईयर बन के आता है, क्योंकि इन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो अपने ट्यूटर थे विलियम चेपर, उनसे इन्होंने क्या कर दिया, बहस कर दिया, ठीक है। तो जब ये वापस आए अपने घर 1626 में, जब ये वापस अपने घर आए, कॉलेज सस्पेंड हो गए, सस्पेंशन के बाद ही केम बैक टू हिज होम, और अपने घर पे आके उन्होंने क्या किया, अपना पहला पोएट्री, इन्होंने अपना मतलब राइटिंग में जो इनका इंटरेस्ट था उसको बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद ये कैम्ब्रिज वापस जाते हैं, ठीक है, कैम्ब्रिज वापस जाते हैं, फिर उनको नया ट्यूटर भी मिलता है नथानियल टोबॉय। देखो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, मैं ज़रा आपको टाइम इसमें वेस्ट नहीं करने वाला हूँ ना, आपका टाइम बहुत कीमती होगा, मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं बस आपको फैक्ट वाली बातें बता रहा हूँ जहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न लिखने को मिलेंगे। तो 26 इज द ईयर जब विलियम चैपल से बहस किया, इन्होंने सस्पेंड होकर घर आए, उसके बाद वापस कैम्ब्रिज जब जाते हो तो वहाँ पे इनके कौन से टीचर मिलते हैं, तो नथानियल टोबॉय करके, ठीक है। चलो
और उसके बाद ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी को, आप सभी को याद होगा ये ईयर 25th of December 1629 एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की, ठीक है, 1608 में इनका जन्म हुआ, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना पहला कंपोजिशन किया, जिसका नाम किया ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, या फिर इसको नेटिविटी ओड भी कहते, ठीक है, नेटिविटी ओड इन्होंने कंपोज किया। अब एक चीज ध्यान देना दोस्तों, हम इसको नेटिविटी ओड करके याद करते तो हमें ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इसको भी याद होना चाहिए, ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज, जब ये कैम्ब्रिज में था इन्होंने उसको दिखा था। हिज एपिटेफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर वाज आल्सो कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस डे, ठीक है। तो इनका जो एपिथेप है, एपिथेप का मतलब जो इनके ड्रामेटिक पोएट थे विलियम शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर इन्होंने लिखा था, जो कि आपके पता होगा कि उसका फर्स्ट जो सेकेंड पोलियो पब्लिश हुआ था 1632 में, उसका जो है ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन भी बना हुआ था ना। चलो चलो तो आगे देखो यहाँ पर क्या चीज़ें कुछ और हैं आपके लिए, ठीक है। तो इनका जो पहला पब्लिश पोयम था उसका क्या नाम है, ऑन शेक्सपियर नाम है, जो कि 1630 में उन्होंने पब्लिश करवाया था, और जो कि एनोनिमसली बिना किसी नाम के कहाँ पब्लिश हुआ था, सेकेंड फोलियो 1632 वाले एडिशन में, ठीक है। डेट्स को आप सब ध्यान देना, 1632 वाले सेकेंड फोलियो में इन्होंने विलियम शेक्सपियर पर जो इन्होंने वर्क लिखा ऑन शेक्सपियर, तो वो उसका क्या बना था, इंट्रोडक्टरी, जो शुरुआत में नहीं हमसे दिखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट बना किसके, विलियम शेक्सपियर के एक वर्क का, ठीक है दोस्तों, इसको भी कंसर्न में रखना आपने, ठीक है। इन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के क्वेश्चन देखो यहीं से बन के आएंगे, कहीं और विदेश से बन के नहीं आता, यही सारे क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। उसके बाद देखो 29 इज द ईयर जब इनको इनकी बीए की डिग्री प्राप्त हुई, ठीक है, 29 में बीए, 32 में एम है, 29 में इनको क्या प्राप्त हुआ, बीए, और 32 में इनको क्या प्राप्त हो गया, इनका एमए का डिग्री प्राप्त हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ चले गए, होरसन में चले गए, वेयर हिज फादर हैड रिटायर्ड अ शॉर्ट टाइम एगो, उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, होरसन। अब होरसन एक नाम इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इज होरसन इम्पोर्टेंट, होरसन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, कुछ होरसन पोएम्स थे, होरसन एक स्थान का नाम है जहाँ ये अपने पेरेंट्स के साथ रहा करते थे, तो विलियम जॉन मिल्टन ने जितने भी वर्क्स होरसन में लिखे उस पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सब मास्क के बारे में, तो इन्होंने दो मास्क लिखा था, आर्केड्स लिखा 1632 में, 1632 में इनका कौन सा वर्क आया था, आर्केड्स आया था, और 1634 में इनका वर्क आया था कॉमस, कॉमस आप सभी लोग जानते होंगे बहुत ही फेमस है, आर्केड्स भी इनका एक मास्क था, कन्फ्यूज होते हैं बहुत लोग कि आर्केड्स एक पेस्टोरल पोएम है बट ये इसका मास्क है, ठीक है। तो ये आ गया था 1632-1634 में, कॉमस आर्ग्यूज फॉर द वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परनेस एंड चेस्टिटी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद होगा। 37 में इनकी माता के सैरा जफरी की मृत्यु हो जाती है और इनको होरसन में ही दफनाया जाता है, 37 इज द ईयर व्हेन हिज मदर सैरा जफरी वाज डेड, जॉन मिल्टन, ठीक है। 37 में इन्होंने एक लिसिडस पोयम लिखा, एक पेस्टोरल एलर्जी है अपनी दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पे, जो लिसिडस कहाँ, इनके दोस्त का नाम था एडवर्ड किंग, जिनका आयरिश सी में डूब कर मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आयरिश सी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये आप डेट याद रखना, 1637 डेट इनके लिए दो बातों के लिए महत्वपूर्ण था, पहला सैरा जफरी इनकी मदर की डेथ होती है, दूसरा लिसिडस जो एक पेस्टोरल एलर्जी था उसको इन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया था, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। 1638 में ये कुछ चीज़ें कहीं घूमने जाती है, टूर, एक को कहा जाता है टूर ऑफ फ्रांस स्विट्जरलैंड एंड इटली, ठीक है, फ्रांस स्विट्जरलैंड और इटली में घूमने जाते हैं, और उसी बीच इनके देश 1639 में ही क्या हो गया, एक सिविल वॉर हो गया, इस वजह से इनको वापस आना पड़ा, ठीक है। देखो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन जुलाई 1639 1639 जुलाई के मंथ में इन्होंने एक पोयम लिखा था, क्या, एपिथेपियम डेमोनिस, एपिथेपियम डेमोनिस बेसिकली क्या दोस्तों, एक एलर्जी है जो इन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डिडोटी के लिए लिखा था, जिनको मिल्टन के यूरोप टूर के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। ध्यान दो दोस्तों, हम सब जो है लुसिडस को बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लुसिडस पे हम सबका फोकस रहता है, लुसिडस लुसिडस लुसिडस, एक इनका पेस्टोरल पोयम और है जो कि एपिथेपियम डेमोनिस है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को परीक्षा में यहाँ से भी आपको मिल जाए, ठीक है। एपिथेपियम डेमोनिस एक एलर्जी है जो कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डिओडेटी के मरने पर इन्होंने लिखा था, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको ना। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ से कुछ और आपके लिए शुरू हो रहे हैं, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब देखो 1642 1608 में जन्म हुआ, ठीक है, और ये पहुंच गए 1642 तक, अभी इन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। अब इनका उम्र कितना हो गया,
34, 34 साल की उम्र में जॉन मिल्टन ने शादी किया किससे? अपने से आधी उम्र की औरत, आधी उम्र की लड़की, जिसका क्या नाम है? मेरी पॉवेल। ठीक है, 17 ईयर्स, मात्र 17 साल की थी मेरी पॉवेल जब जॉन मिल्टन, 34 ईयर ओल्ड मैन मेरी, 17 ईयर ओल्ड गर्ल मेरी पॉवेल। ठीक है, द मैच वॉज नॉट गुड, ज़्यादा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। मेरी पॉवेल जो थी तुरंत ही अपने घर वापस आ गई थी। डिस्पाइट द एक्रीमोनियस स्टार्ट ऑफ देयर 10 ईयर मैरिज, द कपल इवेंचुअली कन्विंस्ड 3 डॉटर्स एंड अ सन। ठीक है, सिंस मैरी पॉवेल और जॉन गॉल्स, जॉन मिल्टन के बीच कुछ अच्छा नहीं रहा, उसके बावजूद जो है इनके 3 बच्चे, मतलब 3 बेटियां और 1 बेटे जो थे इनके हुए जॉन मिल्टन के। ठीक है, तो ये सारे भी फैक्ट्स हैं, आप सब इसको पढ़ते रहो, कंसिडर कर सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि मेरी पॉवेल के साथ इनका क्या सीन रहा। मेरी पॉवेल के साथ ज़्यादा कुछ बढ़िया सेटिस्फैक्टरी चीज़ें इनकी नहीं घटी। तो एक बात बता रहा, जितने भी लोग देख रहे हो, जो 17 ईयर है, जो 17 साल की मेरी पॉवेल है हम सबकी भाभी, वो आपको याद हो गया कि नहीं? 17 ईयर की मेरी पॉवेल थी, 34 ईयर के थे जॉन मिल्टन। ठीक है, 17, 18 कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूज जितना हो गया आप उतने ही कन्फ्यूज होते जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इनका इम्पोर्टेंट काम आता है 1643 में। 1643, देखो यहाँ इन्होंने शादी कब किया, 1642 में इन्होंने शादी की, शादी के सिर्फ 1 साल बाद। अब जानते जानते जाहिर सी बात, देखो मिल्टन का स्वभाव कुछ अलग था ना, एक लर्नेड पर्सन थे, पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा बदल जाता है ना, उसको थोड़े उसके जीवन से उम्मीदें बदल जाती है। तो जॉन मिल्टन अनहैप्पी थे अपनी शादी से मेरी पॉवेल, और जॉन मिल्टन का नहीं जन्म हुआ था। ठीक है जल्दी जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, वो आफ्टर डेट क्या होता है, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा। पैम्पलेट, इंग्लैंड में क्या सिस्टम था, इंग्लैंड में डिवोर्स का एक सिस्टम बड़ा क्लियर था कि इफ़ यू वांट टू डिवोर्स, डिवोर्स लेने का बस एक ही तरीका था कि आपका जो पार्टनर है वो एडल्टरी में फंसा हो। एडल्टरी का मतलब क्या हो, उसका किसी और के साथ लव अफेयर हो, तब आप उसी केस में जो है आप क्या कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई और केस नहीं बनता है। तो उसी को कंडेम करने के लिए, उसी का विरोध करने के लिए जॉन मिल्टन ने डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, देखो ये नाम पे ध्यान देना भाई, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपके सामने, नेम्स को ध्यान देना सभी लोग, ये 4 यहाँ पे इनको पैम्फलेट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट पैम्फलेट छपे थे ना, इसको मैं बता दूंगा आपको, एक सेकंड पहले कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला नाम देखो डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, फर्स्ट है इनका, फर्स्ट पैम्फलेट का नाम क्या है, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ठीक है, ये इनका फर्स्ट पैम्फलेट छपा था डिवोर्स को लेकर। ओके, उसके बाद आया था द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, एक इनके एक और पैम्फलेट का नाम था। उसके बाद क्या था, टेट्राकोर्डोन, उसके बाद क्या था, कोलेस्टेरियन। ठीक, अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न कैसे बनाओगे आप। तो प्रश्न बनाने का एक ही तरीका यहाँ पे बनेगा कि आपको ऑप्शन में दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिल्टन्स डिवोर्स ट्रैक। 4 ऑप्शन है, कहेगा कौन सा नहीं है, या आपसे पूछेगा कौन सा है। तो डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ट्रिपल डी, जैसे हमने लव पेपर डिवोर्स को याद किया, ट्रिपल डी हो गया। द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, ठीक है, टेट्राकोर्डोन, उसके बाद कोलेस्टेरियन। 4 नाम है, 4 नाम आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, आपके एकदम दिमाग में बैठे होने चाहिए सारे। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूँ, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, टेट्राकोर्डोन, उसके बाद कोलेस्टेरियन। देखो ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको मिला जुला क्या कहा गया, डिवोर्स ट्रैक्ट कहा गया। इसके बाद से जॉन मिल्टन को एक और नाम दिया गया, एक निक नेम इनको प्रदान किया गया, मिल्टन डा डिवोर्सर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मतलब शानदार वे में, देखो लेखक का काम ही होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जितने भी ऑथर्स राइटर्स हमारे देश में भी हुए, वो ऐसा वर्क लिखते थे ताकि वहाँ की जनता, वहाँ की सत्ता, वहाँ के शासन को वो प्रभाव डाल सके। तो इतना प्रभाव इनका पड़ा जॉन मिल्टन के वर्क्स का कि इनको मिल्टन डा डिवोर्सर कहा जाने लगा इंग्लैंड में उन दिनों। ठीक है, ये तो बात हो गई 43 की। 44 में क्या होता है, 44 और 47 कुछ खास नहीं है। आफ्टर डाई स्टेशनरीज कंपनी अटेम्प्टेड टू सेंसर मिल्टन्स जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, ही पब्लिश द इम्प्रेजेंट ट्रैक्ट एरियोपेजिटिका। दोस्त ध्यान देना, एरियोपेजिटिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ईयर ऑफ 1644। क्या किसके इन्होंने लिखा था, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। ओके, ध्यान देना, एरियोपेजिटिका लिखने का पीछे का, देखो इनका एक इंग्लैंड के सरकार ने चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे बेसिकली एक वो आया, एक
पार्लियामेंट्री बिल पास हुआ कि जो भी आपका, जो भी आप बुक सीखोगे, जो भी आप टेम्पलेट सीखोगे, जो भी आप वर्क अपना पब्लिश करवाना चाहते हो, वो पहले कहाँ जाएगा, सेंसर होने जाएगा। सेंसर आप सभी जानते होंगे, जो चीज़ सरकार नहीं चाहेगी सरकार उसको निकलवा देती। तो मिल्टन का जो वर्क था जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, इसको सेंसर किया गया, ठीक है। 1644 में स्टेनर्स कंपनी जो थी, कंपनी का नाम है, ठीक शशि गुड आफ्टरनून, स्टेनर्स बेसिकली कंपनी का नाम था जिन्होंने मिल्टन के जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, आपको मैंने बताया इनका डिवोर्स ट्रैक था, उसको जब उन्होंने क्या कोशिश किया सेंसर करने का, तो जॉन मिल्टन ने अपना एक फेमस वर्क पब्लिश करवाया एरियोपेजिटिका, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिखा गया था। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, एरियोपेजिटिका जो एरियोपेजिक है ना, एरियोपेजिक इज अ नेम ऑफ प्लेस, एरियोपेजिक क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है। तो उससे इसको जुड़ा गया एरियोपेजिटिका, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ फ्री प्रेस। 1647 का ईयर आता है जब इनके फादर जॉन मिल्टन की डेथ हो जाती है, इनके फादर की, ध्यान देना जॉन इनके पिता का भी नाम था ना, तो डोंट बी कंफ्यूज गाइस। अब देखो ये आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है पूरे की पूरे अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के लिए, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन कैसे बने वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, एक ईयर आता है आप सभी लोग जानते होंगे 1649, ठीक है। 1649 एक ऐसा साल था जब चार्ल्स फर्स्ट को, किसको, ध्यान देना दोस्तों, चार्ल्स फर्स्ट को, एक सेकंड रुकना मैं आपको एक चीज और बता दूं, चार्ल्स फर्स्ट को क्या किया गया वहां पे, बिहेडेड कर दिया गया, मतलब उनको जो है वहां पर पब्लिकली इंग्लैंड में, एक मिनट दीजिएगा बस, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड किया गया था दोस्तों। बेसिकली इनका जो एज था इंग्लिश लिटरेचर में ना, वही मैं देख रहा था, डेट मुझे कंफर्म था, 1625 से लेकर 1649 तक के पीरियड को हम सब क्या कहते हैं, चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड, ठीक है अनुभवी, गुड आफ्टरनून। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड कहा गया 1625 से 49 तक के, ठीक है दोस्तों। तो इस फैक्ट को मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपसे प्रश्न यहाँ से बन जाए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, इनको क्या कर दिया, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया, बिहेडेड कर दिया गया। बिहेडेड का मतलब क्या होता है, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो चार्ल्स फर्स्ट की यहाँ पर हो गए क्या, डेथ हो गई। उसके बाद किंग कौन बनता है 1649 से लेकर 1660 तक, जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बनती है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे कौन लीड करते हैं, ओलिवर क्रॉमवेल, कौन करता है दोस्तों वहाँ पे, ओलिवर क्रॉमवेल। ये सब डेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है। उसके बाद 1660 में क्या होता है, 1660 में जो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा है चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स सेकेंड बेसिकली क्या बनता है वहाँ का, इंग्लैंड का फिर से किंग बन जाता है। तो चार्ल्स सेकेंड जब किंग बनता है तो इसी पीरियड को हम सब कौन सा पीरियड कहते हैं, आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ से शुरुआत होती है फिर हमारे रेस्टोरेशन की, ठीक है, हियर द रेस्टोरेशन बिगिंस। देखो अब इसी टाइम पीरियड को हमको समझना है, उससे पहले 1625 से, इधर देखना साइड में, 1625 से 49 तक का ईयर को हम सब क्या कहते थे, जैकोबियन पीरियड कहते थे, क्या कहते दोस्तों उसको, जैकोबियन पीरियड कहा गया। अब देखो ये चार पीरियड के नाम मैंने आपके सामने लिखे, बिन चारों पीरियड को आप समझ जाओ तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का बन जाना चाहिए। तो जॉन मिल्टन अपना वर्क कहाँ स्टार्ट करना शुरू किया, उन्होंने जैकोबियन पीरियड में, ठीक है, पहला टर्म। मेरी काफ़ी इच्छा थी इस बात को बताने को जो मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जॉन मिल्टन ने अपना वर्क स्टार्ट किया करना कब पब्लिश उन्होंने किया, जैकोबियन पीरियड में, ठीक है। 1649 तक के पीरियड में इन्होंने, जब क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट जब तक वहाँ पर, ठीक है, रेस्टोरेशन हुआ चार्ल्स सेकेंड को, ठीक है शशि। तो 1649 तक के इन्होंने पीरियड में क्या किया, अपने जो पेम्पलेट्स वर्क थे, मोस्टली पेम्पलेट्स वगैरह इन्होंने उस टाइम पब्लिश किया 1649 से 1660 के बीच में, जो कि ओलिवर क्रॉमवेल है, उसको कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट भी कहते हैं ना, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। यहाँ पर इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका पोस्ट बना था, ये एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, क्या थे दोस्तों, ये एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी आप इनको कहो, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट कहो, क्योंकि एक लिंग्विस्टिक थे, भाषा के ज्ञानी थे। तो इस बात से ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पे इन्होंने क्या बनाया, फॉरेन की चीज़ों को ये देख रेख करते थे। 1660 से लेकर 74 तक का टाइम पीरियड टिल डेथ, जो हमारा रेस्टोरेशन शुरू होता है, इन्होंने अपना तीन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क पब्लिश करवाया। एक होता है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है,
पैराडाइज रीगेंड और सैमसंग एगोनिस्ट। तो देखो ये ईयर इनका 1649 इम्पोर्टेंट बनता है जॉन मिल्टन के लिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी। जॉन मिल्टन 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट को जब बिहेडेड किया गया, इनको एग्जीक्यूट किया गया, तो उसके बाद से ही ओलिवर क्रॉमवेल के शासनकाल में जॉन मिल्टन को कुछ एक सम्मानित पोस्ट दिया गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं 49 के पहले जो था, जो टाइम पीरियड था जॉन मिल्टन के लिए, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदायी टाइम पीरियड था। इनको जो है जेल की जाने तक की नौबत एक दो बार आ गई थी, ठीक है। चलो तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि 1649 तक का टाइम लाइन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो भी हर हर महादेव, ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो 1649 तक का ईयर जॉन मिल्टन के लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होता है, जब ओलिवर क्रॉमवेल वहाँ पे शासक बन के आता है। इनको एक तरह से फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई थी अपने वर्क्स को लिखने के लिए। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। चलो तो कुछ आगे की चीज़ों को और देखते हैं हम सभी लोग, और इनके वर्ड्स को बारे में डिस्कस किया जाए। बेसिकली इनके वर्ड्स से ही क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है शशि। चलो अच्छी बात है, ये हम अभी अगर आपने डी ट्रिपल एस बी या जूनियर सुपर टेट को भी भरा होगा ना, तो उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। हिस्ट्री तो ऐसा पढ़ेंगे हम सब, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि आपको एकदम एक एक ग्रेड से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। देखो 1649 में इनका एक वर्क आता है टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। 1649 में वाज पब्लिश्ड, इन विच ही डिफेंडेड द राइट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट अ गिल्टी सबवर्जन चार्ल्स फर्स्ट। देखो भाई एक इम्पॉर्टेंट बनता है यहाँ से, इम्पॉर्टेंट इन द फैक्ट वाई बनता है कि रीजन मैं आपको बता दूँ तो इन्होंने बताया, इन्होंने क्या किया। देखो पहली बात तो चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया गया, मतलब उसको मार दिया गया, जान ली गई ना चार्ल्स फर्स्ट की, उसको हटाया देने। तो इन्होंने क्या किया, जो चीज़ हुई थी उसका इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट जो इनका वर्क आया 1649 में, उस वर्क में जॉन मिल्टन ने क्या किया, सपोर्ट किया कि चार्ल्स फर्स्ट को जो बिहेडेड किया गया वो अच्छा काम हुआ, वेदर टायरेनिकल और नॉट। चीफली ड्यू टू दिस वर्क ही वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स। ध्यान दो, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इनको वो बनाया गया, ये बनाया गया, कुछ नहीं बनाया गया भाई इनको। इन्होंने क्योंकि टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखा चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड करने के लिए ना, कि भाई बहुत अच्छा काम किया, आप सभी ने तालियां बजती रहनी चाहिए। तो ओलिवर क्रॉमवेल का बेसिकली इन्होंने क्या किया, तारीफ की, तो उससे खुश होकर ओलिवर क्रॉमवेल ने इनको क्या बना दिया, अपना फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया, सेक्रेटरी टू फॉरेन टंग्स इनको बना दिया गया। बस इतनी ही जो बात है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी जो उसके पीछे की राजनीति थी रेस्टोरेशन को जब हम पढ़ेंगे ना उसको, तब उस टाइम हम सब इसको अच्छे से और भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। हिज सैलरी, ही रिसीव्ड द सैलरी एंड रोजेस एट स्कॉट यार्ड इन अक्टूबर 1649 ही पब्लिश्ड। अब देखो ये थोड़ा नाम ध्यान देना, अजीब सा नाम आपको देखने को मिलेगा बट इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या है इनका, कि एक और क्लास्टेस नामक एक वर्क जो इनका पब्लिश हुआ 1649 में, जिसमें इन्होंने क्या किया, डिफेंस किया द रिस्पॉन्स जी, ठीक है 1642, हाँ ठीक है जो भी बहुत अच्छे, ठीक है। इन द रिस्पॉन्स ऑफ इकॉन बेस लाइक अ फिनोमियल बेस्ट टेलर पॉपुलरली एट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स फर्स्ट डेट पोर्ट्रेट द किंग एज एन इनोसेंट क्रिश्चियन मार्टिर, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिकली बात क्या हो गई, कि जो इकॉन बेस लाइक नाम का एक वहाँ पे बंदा था जिसने एक वर्क लिखा जिसमें इन्होंने क्या किया, चार्ल्स फर्स्ट को एक शहीद बनाया, ठीक है, एक शहीद बताया। उसी के जवाब में जॉन मिल्टन ने इस वर्क को पब्लिश करवाए थे, तो ये आपका एक प्रश्न बन सकता है, अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। 1652 में एक इनको बीमारी थी, इनको जो थी ग्लोकोमा नाम की एक बीमारी थी, उस वजह से जॉन मिल्टन क्या हुआ, कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए, ठीक है। तो 1608 में इनका जन्म हुआ, 1652 में ये ब्लाइंड हो गए, मतलब इन द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में जॉन मिल्टन क्या हो जाते, पूरी तरह से अपनी आँखों की रोशनी को ये खो दिए। जॉन मिल्टन जो है पूरी तरह से अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं, कब, 1652 में। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ जॉन मिल्टन के बारे में, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो जॉन मिल्टन कहा करते थे कि ऐसा कोई दिन नहीं है, दिन का ऐसी कोई रात नहीं होती है कि जब मैं रात के 12 बजे से पहले किताब से दूर होता था, मतलब कि जॉन मिल्टन स्टडी में इतने व्यस्त हो जाते थे कि रात के 12 बजे तक ये सिर्फ किताबों को पढ़ा करते थे, तो वो भी एक रीजन मान सकते हैं इनके ब्लाइंडनेस के पीछे, ठीक है। अब देखो क्या होता है,
आगे कहानी नॉन सा नॉन सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाँ आगे देखो क्या हुआ। 1652 में मैरी पॉवेल मर जाती है, मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। 3 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू द कपल्स फोर्थ चाइल्ड, मीन्स जो चौथा इनका बच्चा होता है जिसका नाम क्या, जो डेबोरा नाम की इनकी बेटी थी, हिज यंग सन जॉन डाइड सून आफ्टर, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान देना 1652 वो ईयर था, 5 मई 1652 जब इनकी वाइफ मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अपनी वाइफ की मृत्यु के 4 साल बाद मीन्स इन 1656 ये शादी करते हैं किससे, कैथरीन वुडकॉक से, ठीक है। देखो ध्यान देना, टाइमलाइन समझो, 43 में मैरी पॉवेल आई, 52 में चली गई, 56 में एलिजाबेथ कैथरीन वुडकॉक आई, 58 में चली गई, ठीक है। एलिजाबेथ वुडकॉक बेसिकली इनकी भी डेथ कैसे होती है, जो जो इनका बेबी होता है ना चाइल्ड जिसका नाम था कैथरीन, उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत ही दुख भरी कहानी है कि 58 में जो इनकी दूसरी वाइफ कैथरीन वुडकॉक की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक चाइल्ड को जन्म देती है, वो बेबी गर्ल भी बाद में आगे चल के मृत्यु हो जाती है। उतना हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो बाकी आपका नेट वाला क्वेश्चन बनने लगेगा यहाँ से, तो इतना ध्यान देना, 56 में वुडकॉक इनके जीवन में आती है, 58 में वो चली भी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, जब 59 इज द ईयर, 1659 मैंने भी आपको ऊपर बताया था, 59 या फिर कहीं 60 मिलता है, तो जब रेस्टोरेशन होता है चार्ल्स सेकेंड का इंग्लिश थ्रोन पे, मीन्स ओलिवर क्रॉमवेल का शासनकाल चला गया और चार्ल्स सेकेंड वहाँ पे किंग बना, तो इनको अरेस्ट कर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया, कितने के लिए, 2 महीनों के लिए, क्योंकि उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के बारे में बहुत ही मतलब बातों को लिखा था, तो दैट्स द रीजन कि इनको जो है फिर पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जाहिर सी बात है भाई, जब सत्ता बदलती है तो लेखक पत्रकार ये सब भी क्या हो जाते हैं, इनको भी दिक्कत होती है ना, ठीक। 58 में इनके जीवन से वुडकॉक गई थी, 63 में इनके जीवन में कौन आ गई फिर, एलिजाबेथ मिंसल। एलिजाबेथ मिंसल से इन्होंने शादी कब किया, इन द ईयर ऑफ 1663, जबकि इनकी बेटियों ने इनको मना भी किया कि आप शादी मत करो, फिर भी इन्होंने 1653 में शादी किससे कर दी, एलिजाबेथ मिंसल से। देखो इनका स्टोरी लाइन, इनके पूरी जिंदगी को मैं आपको बता रहा हूँ। 27 अप्रैल 1667 इज द डे जब पेराडाइज लॉस्ट इन्होंने पब्लिश करवाया सैमुअल सिमंस के हाथों से, ठीक है। बाकी वहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट रन, ठीक है, मिल्टन थ्री मैरिज, मैरी पॉवेल वुडकॉक कैथरीन एलिजाबेथ, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इनका जो 27 अप्रैल 1667 को एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इनका मैग्नम ओपस पब्लिश होता है, जिसका क्या नाम होता है, द पेराडाइज लॉस्ट, ठीक है। तो क्वार्टो एडिशन में पब्लिश होता है, ठीक है। और 1667 पब्लिश हुआ, सोल्ड आउट इन 18 months, 18 महीने में पूरा का पूरा इनको पब्लिश वगैरह बिक गया था। उतना हमें नहीं ध्यान देना। द पोएट एंड क्रिटिक जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन क्या रिमार्क करते हैं, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट्स टू, मतलब पेराडाइज दोस्त इनका इतना शानदार वर्क है जॉन मिल्टन का, कि उसके बारे में जॉन ड्राइडन क्या कहते हैं, जॉन ड्राइडन कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा वर्क है, जॉन मिल्टन ने ऐसा वर्क पब्लिश करवा दिया, ऐसा वर्क लिख दिया कि जिसने हमें कट्स अस ऑल, हम सबको मतलब कि गायब कर दिया, टक्कर से हटा दिया, और एंशियंट जॉन मिल्टन से पहले जितने भी आए, स्पेंसर आए, मार्लो आए, शेक्सपियर आए, ठीक है, चौसर आए, जॉन मिल्टन का पेराडाइज लॉस्ट इतना खतरनाक वर्क, इतना धुएंधार बिक्री हुई उसकी, कि जॉन ड्राइडन उसके बारे में कहते हैं दिस मैन कट्स अस ऑल एंड द एंशियंट्स टू, ठीक है। पेराडाइज लॉस्ट के बाद कौन सा वर्क आया, इनका सीक्वल आता है क्या, पेराडाइज रीगेंड, जो कि किसके साथ आता है, सैमसन एगोनिस्ट के साथ, 1671, ठीक है, ध्यान देना इस पे, डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद 1674 में इनकी मृत्यु हो गई, दफनाया गया सेंट जाइल्स चर्च में, कहाँ, क्रिपल गेट, जो कि इनके ही आस घर के पास ही में था, ठीक है। तो 1674 इज द डे जब जॉन मिल्टन इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए, और हमें पढ़ने के लिए ढेर सारे चीज देकर चले गए, ठीक है। उसके बाद देखो लंदन में हुआ इनका जो, ठीक है, जॉन मिल्टन जो है एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर मानते हैं, ठीक है। चलो तो मैं आपको अब यहाँ पर एक, आपको जितना चीज़ें हमने डिस्कस किया अभी वर्क्स के ऊपर हम सब चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा दूँ फिर से ना। सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, और कमेंट बॉक्स में आप एक्टिव हो जाना कमेंट, क्योंकि वह आप सबको करना होगा। मैं कुछ डेट्स लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, जो अभी बहुत अच्छे 67 में 10 बुक थे, 74 में 12 हो गया था, 7 और 10 को हमने बांटा था, उसको अभी हम कंसिडर करते हैं। तो मैं जो हूँ बोर्ड में अब आपके लिए कुछ डेट्स लिख रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को अब लिखने जा रहा हूँ। आप सभी लोग क्या करोगे, उस डेट्स में क्या हुआ था आप मुझे वो बताओगे, ठीक है।
ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। चलो मैं डेट लिख रहा हूँ, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस डेट पे जॉन मिल्टन के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो कि रिमार्केबल है, जिसके लिए हम इनको आज भी याद करते हैं, ठीक है। चलो तो काफ़ी मैं कमेंट्स सब देख रहा हूँ आप सभी के, यहाँ पे 1608 एक ईयर हो गया, ठीक है। 1620 इज वन ईयर, 1620 एक साल हो गया आपके सामने। 1625 एक साल हो गया, 1625 एक साल हो गया। 1626 इज वन ईयर, 1629 इज अनदर। सबका आप मुझे बताते चलो कि क्या हुआ है, और कोई कॉपी वगैरह नहीं खोलेगा, बस अपने मेमोरी से आप मुझे कमेंट में मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, ठीक है। 1630 में क्या हुआ जॉन मिल्टन के, जो हम अभी भी याद करते हैं, ठीक है। 1629 में और क्या होता है, 1632 में कौन सी घटना घटती है जॉन मिल्टन के साथ, ये आप मुझे बताओ। 1632 फिर से, 1634 फिर से, ठीक है। 1637 फिर से, 1638 अगेन, 1638 में इन्होंने क्या किया, 1639। चलो इतना साल का मुझे कमेंट करके सभी लोग जवाब दे दो, और जो भी खुद से जवाब देगा मान के चलना कि आपकी तैयारी एकदम शानदार जानदार जबरदस्त चल रही, ठीक है। चलो सबके कमेंट 125 कल मेरे पूरे सही हुए, अच्छा जोली बहुत अच्छे, चलो ठीक है। तो चलो 1608 क्यों इम्पोर्टेंट है, इनका क्या होता है, इस दिन जन्म होता है, तो बर्थ ऑफ जॉन मिल्टन 1608 में, ओके। चलो बर्थ सबका आ चुका है। 1620 में ओवर टू क्रिस्टनेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, 1620 12 साल की उम्र में, जल्दी ध्यान दो, ठीक है। चलो कृष्णा बहुत अच्छे। 1625 में देखो, 1620 में ये सेंट पॉल कॉलेज गए, ठीक है। 1620 में ये कहाँ जाते हैं, सेंट पॉल कॉलेज में गए थे, ठीक है। मैं आपके कमेंट सभी देता हूँ, एक बार मैं आपको सामने लिख दूँ, आप लोग भी कमेंट करते चलो। 1625 में ये कहाँ गए, क्राइस्ट कॉलेज, जी पूजा, क्राइस्ट कॉलेज जो कि किसका पार्ट था, इज अ पार्ट ऑफ अ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पार्ट है कौन, क्राइस्ट। 1626 में इनको कैम्ब्रिज से क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने का रीजन क्या था, सस्पेंड करने का रीजन था क्योंकि उन्होंने अपने ट्यूटर विलियम चैपल से बहस कर लिया था गाइस, ओके। 1629 पब्लिश्ड ओड टू नेटिविटी, 1629 इज फेमस फॉर नेटिविटी ओड, ठीक है, नेटिविटी ओड के लिए पब्लिश है 1629 का ईयर। देखो पब्लिश नहीं हुआ था, जो भी ध्यान देना ना, पब्लिश नहीं हुआ था, इन्होंने उसको कंपोज किया था, पब्लिश इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क था ऑन शेक्सपियर, ठीक है। इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क का क्या नाम था, 1630 में पब्लिश हुआ था ऑन शेक्सपियर, ठीक है, जो कि इनका 1632 का जो आया था आपका सेकेंड फोलियो, उसमें ये यहाँ पे छपा हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक है। सस्पेंड हो गए, जी बिल्कुल, 1630 ऑन शेक्सपियर, 1625 क्राइस्ट कॉलेज, बिल्कुल नीरज कृष्णा, बिल्कुल सस्पेंड हो गए। तो ये टाइमलाइन आपको समझ में आ रही होगी, जी मिल्टन लेडी ऑफ क्राइस्ट इनको कहा गया, ठीक है पूजा। 1629 चलो साइड में आते, 1629 द ईयर जब इनको अवार्ड किया गया बीए से, 32 में इनको अवार्ड किया गया एमए से, 32 अनदर ईयर जिसमें इन्होंने कौन सा वर्क लिखा अपना, आर्केड्स जो कि एक बहुत ही फेमस इनका मास्क है, 34 में इन्होंने लिखा था कॉमर्स को, 37 में लिसिडस आया इनका, ठीक है, 38 में ये टूर पे गए ना, ध्यान देना यहाँ पे डेट्स को बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करना है आप सभी को, डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो 1637 में लिसिडस आया इनका, 38 में ये टूर पे गए हुए थे, मैंने आपको बताया था फ्रांस स्विट्जरलैंड पे टूर पे गए हुए थे, फिर इनको वापस आना पड़ गया था बहुत ही जल्द। 39 इज फेमस फॉर, इनका एक बड़ा ही फेमस वर्क आया एपिथेपियम या एपिटेपियम, एपिथेपियन डेमोनिस, एपिथेपियम डेमोनिस, बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, चलो देखो तो ये इनका एक टाइम लाइन, बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है नहीं लगे ऑन शेक्सपियर, बहुत अच्छे पूजा एमए प्राप्त हुआ इनको जो भी, ठीक है लिसिडस इनका आया, बहुत अच्छे नीरज, देखो तो ये इनका एक टाइम लाइन है जो कि आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकता है, मैंने तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में ये भी देखा कि उनका क्वेश्चन ये बना है कि इनमें से कौन सा ऑथर जो है कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ा, कौन सा ऑथर यहाँ नहीं पढ़ा, तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बी रेडी फॉर एनीथिंग, कुछ भी आपको मिले परीक्षा में,
तो बताओ 1608 से लेकर 1639 तक का टाइम लाइन समझ में आ गया आपको? टूर ऑफ फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड, बिल्कुल पूजा, इट्स द ईयर ऑफ 1638। ठीक है जोली, ठीक। कॉमर्स को भी हम डिस्कस आगे भी करेंगे, लुडलो कैसल में हुआ था, ठीक है, जो उसको भी हम डिस्कस भी करेंगे। तो इतनी बात है, 1639 तक का आपको समझ में आ गया होगा ना। चलो मैं आपको दे चल रहा हूँ कुछ और डेट्स की ओर, जिसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ो, ध्यान से बताओ मुझे कि उन सालों में और उन ईयर्स में और क्या क्या इनके साथ घटनाएं घटी थी। 1639 तक की चीज़ें जो है हमें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो उसके बाद ईयर आएगा 39 के बाद 42। 1642 में क्या हुआ? 1643 भी दे चलते इसमें क्या हुआ, ठीक है। 1644 क्यों फेमस है, 1649 क्यों फेमस है, इसको देखो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1649 क्यों फेमस है, इसको भी आप सभी लोग ध्यान देना। 1652 क्यों फेमस है, ये बताओ आप सभी लोग, ठीक है। 52 में दो चीज़ें हुई थी ना, दोनों चीज़ों को बता दो आप सभी, अच्छा तो 1652 में दोनों बता दो मुझे आप। और आप मुझे बताओ कि 1656 में क्या हुआ था, जो कि हमको याद रखना चाहिए। 1658 में दोबारा क्या हुआ जॉन मिल्टन के साथ, ठीक है। और कौन सा ईयर है बताओ बताओ। 1659 या बुक्स में 60 भी आपको मिल जाएगा, उस साल क्या हुआ बताओ आपको। 1663 में इन्होंने क्या किया, 1665 में क्या हुआ इनके साथ, 1667 में क्या हुआ, और कौन सा ईयर में बताऊँ पूछूँ आपसे। 1671, 1674, 1674, इतने बताओ डेट्स आपको याद हो जा रहे हैं भाई। सबसे आश्चर्य की बात तो यही है ना कि हमारा दिमाग कितना तेज हो गया है आजकल, कि इतने सारे डेट्स जो हमें मेमोराइज है, उसमें बिल्कुल हमें कन्फ्यूजन भी नहीं है किसी चीज़ को ना, देखा कोई का डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बताओ जल्दी से मुझे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी घटनाएँ यहाँ पर घटनी शुरू होती हैं। चलो ठीक है, कमेंट्स सबके आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं दोस्तों कमेंट्स, बहुत अच्छे। आपका देखो रिवीजन आप खुद से करोगे, मैं आपका रिवीजन क्या करवाऊंगा। 1642 में क्या होता है, 1642 में ये शादी करते हैं, क्या करते हैं, ये शादी करते हैं। 17 साल की लड़की थी जिसका नाम था मेरी पॉवेल, एमपी मतलब मेरी पॉवेल। 43 में क्या करते हैं, शादी से ये क्या हो जाते हैं, हैप्पी नहीं, तो इन्होंने क्या लिखा, डिवोर्स ट्रैक्ट लिखना शुरू करते हैं, ये चार लिखते हैं ये। 1644 इज द ईयर जब इन्होंने क्या पब्लिश करवाया अपना, एरियो, स्पेलिंग गलती हुआ तो माफ कर देना, एरियो पेजिटिका ना, जो भी स्पेलिंग हुआ आगे। 49 क्यों फेमस है, 49 में चार्ल्स सेकेंड को उड़ा दिया, चार्ल्स फर्स्ट को उड़ा दिया गया, और उसके बाद इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ टंग्स बनाया गया, ठीक है। चलो 52 क्यों पब्लिश हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए। और 52 क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरी पॉवेल क्या हो गई, यहाँ पर चली गई इनके जीवन से। मेरी पॉवेल के जाने के बाद 56 का किसी ने जवाब नहीं दिया यार, भाई 56 का किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक, मैं देख रहा हूँ, बताओ भाई 56 में क्या हुआ, बताओ बताओ 56 क्यों फेमस है, 56 में तो कुछ तो हुआ होगा। 56 में क्या हुआ था, इन्होंने दूसरी शादी की थी, इनकी दूसरी पत्नी आई थी, सेकेंड वाइफ, इसका क्या नाम है, कैथरीन वुडकॉक है, क्या नाम है उसका, कैथरीन वुडकॉक, के डब्ल्यू मिस कैथरीन वुडकॉक। और 58 में क्या हुआ, कैथरीन वुडकॉक इनको छोड़कर भी दुनिया से चली गई। 59 से 60 के बीच में चार्ल्स सेकेंड वापस आता है, और इनको 2 महीने कहाँ गुजारने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी के, जेल में बिताने पड़ते हैं। 63 में इनके जीवन में एक और महिला आती है, जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे कि एलिजाबेथ मिंसल है, ईएम फॉर एलिजाबेथ मिंसल। 1665 इज द ईयर जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट किया, क्या किया इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट किया। 16 एक साल में आपको और यहाँ पे बीच में दे देता हूँ, 1658 का साल इनके लिए इम्पोर्टेंट था, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट को लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था। चलो 1667 क्यों फेमस है, पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ इनका। 71 क्यों फेमस है, 71 में क्या हुआ, इनका पैराडाइज रीगेंड आया और सैमसंग एगोनिस्ट आया। 74 में क्या आएगा, सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। 74 में क्या होगा, ये दुनिया को छोड़कर चले गए। चलिए
बहुत अच्छे 16। चलो ठीक है, कृष्णा नीरज ज्वली बहुत अच्छे, पूजा शशि काफी अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर ये इनका पूरा टाइमलाइन है आपके सामने ना, अब आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको एक जस्ट भी नोटबुक में नोट करना, कुछ ही तरीके से नोट कर लो, ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये सारे डेट्स ना, डेट्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो रिवीजन ऐसा करो ना, रिवीजन अगर आप घर पे भी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप सब मेरी वीडियो देखकर ही रिवीजन मारो, आप अगर घर पे भी बैठ के रिवीजन कर रहे हो, एक नोटबुक बना रहे हो, तो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था विलियम शेक्सपियर को रिवाइज करने को, वैसे ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे रिवीजन करो, तब देखो मज़ा आएगा, सिलेक्शन हो कि हाँ जी जल्दी सिलेक्शन लेकर रहिए, बहुत अच्छी बात है, सब सिलेक्ट हो जाए, पार्टी भी हो, ठीक है। बाकी इट्स अ लाइफ, होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है फिर भी ठीक है ना। चलो तो ये तो जॉन मिल्टन की हमने सिर्फ अभी बायोग्राफी डिस्कस की, अब आते हैं इनके कुछ वर्क्स की ओर। आपके पास समय तो होगा ही ना, कहीं जाना किसी को नहीं होगा, चलो मैं आपको कुछ इनके वर्क्स की ओर ले चलता हूँ, ठीक है, कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को हम सब देख रहे हैं यहाँ पर अब, तो आप सभी का काम और आसान हो जाए। चलो अब देखो बहुत सारे डेट्स जो है वहाँ पे छूट भी गए ना, तो उन सारे डेट्स को अब यहाँ पर आप सभी लोग देखो, 31 मैंने छोड़ दिया, 31 को इनका कंपेनियन पीस आता है ला एलिग्रो और इल पेंसरेसो, 31 को जो इनका ये दो वर्क यहाँ पे पब्लिश होता है, ठीक है। चलो तो आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जॉन मिल्टन के वर्क्स के बारे में। तो बायोग्राफी आपको समझ में आ गई, तो मुझे थम्स अप करके बताओ कि क्या आपको बायोग्राफी समझ में आई कि नहीं आई, बायोग्राफी समझ में आ गई, कोई डाउट अगर आप मुझसे पूछ लो, अगर कोई भी अगर आपको डाउट अभी बायोग्राफी में समझ में लगता हो कि हाँ कोई डाउट है, तो अभी ही पूछ लो बायोग्राफी में, फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। सर मिल्टन जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर के, देखो मिल्टन का जजमेंट प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवा दीजिए सर, जॉली गुप्ता प्रैक्टिस सेट इसके सॉल्व हो चुकी है ना, जॉन मिल्टन पे प्रैक्टिस सेट करीब 120-130 क्वेश्चन की मैंने सॉल्व करवाई है, आप जाके चेक कर दो। और मिल्टन जो जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर थे, तो जो जो मार्टिन ब्यूसर बेसिकली वहाँ के जज होंगे कोई, उनका कोई जजमेंट पास हुआ था डिवोर्स को लेकर ही ना, तो उसी के विरोध में जॉन मिल्टन ने इस वर्क को लिखा था, ठीक है, और कुछ खास नहीं है, और कुछ होगा तो मैं आपको चेक करके जरूर बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं शेयर करूँगा कोई इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलो और जो भी मैं आपको बता दूँ, प्रैक्टिस सेट जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्दी, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, इन 5 टॉपिक भी हो चुका है, लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ये 2 बस बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस सेट को चेक कर देना, वहाँ पर मैंने करवाया। देखो 1631 इज द ईयर ला एलिग्रो और इल पेंसिलेसो दोनों क्या थे, इनके कंपेनियन पीस थे, ठीक है, कंपेनियन पीस है इनके ला एलिग्रो और इल पेंसिलेसो। 34 इज द ईयर व्हेन कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड बिफोर अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, क्या नाम था उनका, जॉन नाम था उनका, लुडविग कैसल ने इसको परफॉर्म किया गया था, इसको हम सब आगे और भी डिस्कस करेंगे, और अच्छे डिस्कस करेंगे इसको। सीडस देखो 37 में आया जी, इल पेंसिल रेसो का मतलब होता है इल एंड पेंसिल मैन, ला एलिग्रो का मतलब क्या हो जाता है, ला एलिग्रो का मतलब हो जाता है चीयरफुल मैन, ठीक है। जो भी बहुत अच्छे इटालियन वर्ड है, म्यूजिकोलॉजी से दिया गया है, ठीक है रुचि, बहुत अच्छे, ठीक नीरज अभिलाषा, ठीक है। 47, 47 इज इम्पोर्टेंट ईयर है जॉन मिल्टन के लिए, इनके जो पोएम्स, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, ये इनका पब्लिश होता है, ओके गाइज। 1655 में क्या आया इनका, लोन द लेट ऑन द लेट मस्करे इन पीडिमोंट। 67 में पैराडाइज होता, आप सभी लोग जानते होंगे। 71 में रिगेंड आया, 71 में क्या आया, एगोनिस्टिस आया, और 73 में इनके कुछ और पोएम छपे थे जो कि कोलाब्रेशन में आया हुआ था, वो भी आता है इनका, ठीक है। 40 में देखो इनके प्रोज की बात की जाए, जॉन मिल्टन जाने जाते हैं अपने पोएट्री और सोनेट्स के लिए, बट इनके प्रोज वर्क्स भी जो है इनका नाम जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑथर के रूप में लेकर आते हैं, कौन कौन से प्रोज वर्क हैं इसको हम सब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो 1641 में इन्होंने 3 प्रोज वर्क लिखे थे, ध्यान दो यहाँ पर, ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ प्रीलेटिकल इपोक्रेसी, ठीक है, एपिस्कोपेसी, और ठीक है एनी मेड वर्जन, ठीक है। तो थोड़ा नाम पे ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना, बड़े बड़े वर्ड ध्यान देना,
ऑफ टाइटल से बेसिकली फ्रांसिस बेकन्स जो है अपना ऐसे दिखा करते थे, आपको पता होगा, ठीक है, ऑन स्टडीज ऑफ करके, ऑफ और ऑन करके, तो वैसे ही जॉन मिल्टन ने इसकी शुरुआत की थी। 42 में देखो आया था द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, ठीक है जी, एगोनिस्ट मींस लेसर, ठीक है, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रेनिटी, 42 में इनका वर्क आया था एपोलॉजी फॉर सिमेंटिमस, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, फिर 43 में आया इनका क्या, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, 44 में इनका आया जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डिवोर्स, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना डिवोर्स ट्रैक जो है सिर्फ 43 में नहीं दिखा, 6043 से लेकर 6045 के बीच में इन्होंने अपने चार डिवोर्स ट्रैक्स लिखे थे ना, ये आप सभी लोग ध्यान देना। 6043 में इनका आया था क्या, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स आया था, 44 में आया था जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर आया था, 45 में इनका टेट्राकोर्डोन आया था, और 45 में इनका आया था कोलेस्टेरोसन, ठीक है। तो ये जो चार वर्क मैंने अभी टिक लगाए हैं, ये चारों वर्क को इनके डिवोर्स ट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, डिवोर्स ट्रैक्ट कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन परीक्षा में सीधे ऐसे ही पूछेगा किस साल आए हुए थे, तो 43 में डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स आया, उसके एक साल बाद 44 में जजमेंट वाला आया, और 45 में दो वर्क आते हैं टेट्राकोर्डोन और कोलेस्टेरोन करके, ठीक है। 44 में ही दो वर्क इनके और आते हैं, ऑफ एजुकेशन और एरियोपेजुटिका, मैंने आपको एरियोपेजुटिका की कहानी बता दी पूरा। इस वर्क को जब सेंसर किया जाने लगा तब जॉन मिल्टन ने लिखा था एरियोपेजुटिका को, ठीक है जी जोधी, बहुत अच्छे। तो ये बात हो गई इनकी एरियोपेजुटिका के बारे में बेसिकली, ठीक है जी। फोर डिवोर्स ट्रैक्ट्स इन्होंने लिखे थे। 49 मैंने आपको बताया था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन के आएगा, इसको लिखने के पीछे का रीजन क्या था, तो रीजन यही था कि इन्होंने इसमें किया चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को सही ठहराया था। 49 में क्या आया था, इकोनोक्लास्टिस इनका वर्क आया था, इसका पीछे का रीजन क्या था, एक ऑथर थे जिन्होंने क्या बताया था, चार्ल्स फर्स्ट को हीरो बताया था, उसका विरोध में इन्होंने इसको लिखा था। 51 एंड 52 देखो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगते हैं, पता नहीं क्यों, ये 51 में इन्होंने लिखा था फर्स्ट डिफेंस, और 54 में इन्होंने लिखा था सेकंड डिफेंस, ठीक है। 59 में आया था ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर, 59 में आया था लाइक्विस्ट मीन्स ऑफ रिमूव हायरिंग्स एंड द चर्च, ठीक है। 60 में आया था कॉमनवेल्थ, कुछ खास नहीं है, आप सब इसको बस याद रखना, ठीक है। 60 में आया ब्रीफ नोट्स अपॉन अ लेट सेमन, 69 में आता है एक्सेंडेंस कमेंडेंट ग्रामर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन देखो ये इंपॉर्टेंट है इनका वर्क। 72 में आर्ट ऑफ लॉजिक लेटिन वर्क था, 73 में आया ऑफ टू रिलीजन, 74 में क्या है इनका एपिस्टोलेट फेमिलियरीज, ओके गाइस। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, इनके फोर्स वर्क को उतने खास तो नहीं है, बट हो सकता है भाई एग्जामिनर का मन करे पूछ दे तो आप क्या करिए। 74 में आता है इनका पोलोडोनियस, अब देखो इनके मृत्यु के बाद बेसिकली 82 में इनका एक वर्क छपा था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मोस्कोविया एंड अदर लेस नोन कंट्रीज लाइंग ईस्टवर्ड ऑफ रसिया एच फार एस कैथी गैदर्ड फ्रॉम राइटिंग फ्रॉम सेवरल आई विटनेसेस, ठीक है। तो ये इनके डेथ के बाद पब्लिश होता है इनका वर्क, और उसके बाद इनके डेथ दे डॉक्ट्रिन क्रिस्टिनिया इनका आता है, ठीक है। तो ये इनके डेट्स हो गए, आप इसको ध्यान देना। एक कुछ सोनेट्स को देख लेते हैं हम सभी लोग, सोनेट्स इनके आए हुए हैं, सोनेट्स को भी डिस्कस करते हैं ना। तो ठीक, तो ऑन हिज ब्राइडनेस इनका आया, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, जानते हैं आप सभी इनके दूसरी पत्नी थी सेकंड वाइफ एलिजाबेथ मिंसल के ऊपर इन्होंने लिखा था, मिस्टर लॉरेंस यंग लेडी क्रोमवेल लेट, ये सब आज देख लेना यहाँ पर ना। ऑन बींग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23 इनका एक था, वेन द असल्ट वॉज इंटेंटेड टू बिग सिटी, ठीक है, टू मिस्टर क्रिक्स स्किनर अपॉन हिज ब्राइडनेस। तो बेसिकली इनको कुछ इन्होंने देखो मैं आपको बता दूँ 23 सोनेट्स जॉन मिल्टन ने लिखे थे, ठीक है, 19 इंग्लिश में लिखे थे इन्होंने, और चार शायद ऐसे कुछ नहीं ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन, मुझे अभी कन्फर्म याद नहीं आ रहा है, किसी को याद हो तो बता देना मुझे, ठीक है। चलो ठीक, कमला के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो कंप्यूटर इनका वर्क नहीं था ना, इनके थोड़े मुझे बताओ तो इनके उसके बारे में, इनके थोड़े सोनेट्स के बारे में कोई मुझे बता दो, कितने सोनेट्स इन्होंने लिखे थे ना, मैं बता दूँ एक बार आप सभी को, अभी याद नहीं आ रहा ढंग से, शायद इतना ही था।
ठीक है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस देखो भाई ऐसा है, अच्छा 24 थे 18 और 6 को मिला था, ये मुझको याद है लगता है रिकल बैलेट्स वाला कॉन्सेप्ट मतलब दिमाग में चल रहा है ना जी। ठीक है जोल, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो पब्लिकेशन डेट थी वो 1652 ही मानी जाती है, तो 24 थे 18 और 6 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है इसको आप सभी लोग ध्यान देना। ठीक है चलो, तो 1652 ही वो ईयर है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखते थे ऐसा माना, तो कोई कंफर्म देखो डेट इसके बारे में भी हमें प्राप्त नहीं है ना। चलिए 1652, अब देखो कुछ इनके वर्क्स के बारे में हम और डिस्कस कर देते हैं ना, अभी समय है करीब आधे घंटे तक डिस्कशन हम और कर देते हैं इनके कुछ वर्क्स के बारे में और, ताकि आपका एक यहाँ से कम परीक्षा में 4-5 क्वेश्चन तो आप करके ही आओ। तो ला एरिग्रो बेसिकली क्या है, एक पेस्टोरल पोयम है, ध्यान देना इन सब क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ला एरिग्रो बेसिकली एक पेस्टोरल पोयम है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा था कब, 1631 में, लिखा कब था 1631 में, पब्लिश कब हुआ था 1645 में, किस में पब्लिश हुआ था, द पोयम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। बात समझ में आई, लिखा गया 31 में, पब्लिश कब करवाया इसे, पब्लिश कब किया गया था इसे, पब्लिश करवाया गया था इसे किस साल में, 1645 में, ठीक है। चलिए अब देखो ला एरिग्रो का मतलब क्या होता है, हाँ व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट ना, वो वहाँ पे उसका ओपनिंग लाइन है, बाद के क्रिटिक्स ने इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिया था, सोनेट्स को टाइटल देने का प्रश्न उन दिनों इंग्लैंड में नहीं था। ठीक है चलो, ला एलिग्रो का मतलब क्या होता है, द हैप्पी मैन, इटालियन भाषा का बिल्कुल भी शब्द है, एक कंपेनियन इसके पीस का क्या नाम था, इल पेंसेरोसो, जिसका मतलब था मेलनकली मैन, आप सबको ये बातें पता होंगी। थ्रू आउट द पोयम द स्पीकर डायरेक्ट्स हिज वर्ड टू ग्रेसियर टू वर्ड्स टू वेरियस ग्रीक गॉड्स एंड पर्सोनिफिकेशंस, ही बिगेंस बाय टेलिंग मेलनकली। अब देखो ला एलिग्रो और इल पेंसेरोसो से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन था, ठीक है एक कॉन्सेप्ट आपका क्या था, डेट्स था, बायोग्राफी था, वो हम सब ने डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है जी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको टाइटल दिया था। चलो तो होता क्या है, मेलनकली को इल पेंसेरोसो वर्क में मेलनकली का मतलब क्या होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो जॉन मिल्टन क्या कर रहे हैं मेलनकली को कि भाई तुम इसको मेरे जीवन को छोड़ के चले जाओ, कि मुझे जो तुम अकेला छोड़ दो, ठीक है, और गो बोदर द सिमरेनियस, जो सिमरेनियस से जुड़कर परेशान करो, ठीक है। आफ्टर ऑल स्प्रिंग इज अ टाइम टू बैनिश डार्कनेस, स्प्रिंग कैसा समय है डार्कनेस को बैन करने का, हटाने का, ही देन कॉल यूफ्रोसाइन, ठीक है, गॉडेस ऑफ जॉय है। देखो ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर देना कि इन हिज पोयम ला एरिग्रो जॉन मिल्टन इन्वोकेट्स, जॉन मिल्टन किसको बुलाते हैं, उसका क्या नाम है, यूफ्रोसाइन, यूफो का मतलब भी होता है अच्छा, हैप्पी होता है ना, तो यूफ्रोसाइन एक गॉडेस है जॉय ग्रीक में, उसको बुलाते हैं। द स्पीकर आस्क हर, और स्पीकर क्या, जॉन मिल्टन क्या कहते हैं उनसे कि भाई तुम आओ, देवी आप आइए, और अपने साथ क्या लेके आइए, खुशियाँ लेके आइए, हैप्पीनेस लेके आइए मेरे लिए। द डे ब्रेक्स ब्राइट एंड चीयरफुल अराउंड हिम, द सन राइजेस एंड पीपल स्टार्ट देयर डे ना, मतलब कि ये वही कहना चाह रहा है जॉन मिल्टन इल पेंसेरोसो में कि भाई आप आओ मेरे जीवन में, ठीक है, खुशियाँ लेकर आओ, मैं भी जो है खुश रहूँ ना, इस टाइप की चीज़ जो है जॉन मिल्टन बताते हैं आपको इल पेंसेरोसो और ला एलिग्रो में। इल पेंसेरोसो में क्या होता है, इल पेंसेरोसो बेसिकली क्या, रिफ्लेक्टिव सेंटरिंग ऑन मेलनकली एज अ स्टिमुलस फॉर सोबर कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, एंड इंस्पायरिंग राइटिंग। द टाइटल इज एन इटालियन वर्ड मीनिंग द पेंसिव मैन। ये भी पोयम कहाँ पब्लिश हुआ था, 1649 के, द पोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन वाले एडिशन में, ठीक है, कंपेनियन पीस माना जाता है इसको, ला एलिग्रो, कितनी बातें आपको पता है, लिरिक पोयम है, ठीक है। अब मिल्टन क्या करते हैं इसमें, मिल्टन जो इस पोयम में क्या करते हैं, दुख को बुलाते हैं, ठीक है। मिल्टन बिगिन द पोयम बाय रिजेक्टिंग डिल्यूडिंग जॉय, ये जॉय को रिजेक्ट करते हैं, और ही हेल्प्स मेलनकली, कौन, मेलनकली को बुलाते हैं एज अ गॉडेस एंड एक भगवान के रूप में, एंड देन इन सक्सीडिंग लाइन्स इनवाइट्स हर टू बिकम पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड आस्क हर टू ब्रिंग विद हर काम पीस एंड क्वाइट। देखो यहाँ पे जॉन मिल्टन का इस वर्क को लिखने का फिलोसफी क्या है, जॉन मिल्टन इसको इस वर्ष लिखा कि जो जब इंसान जब खुश होता है, ठीक है, इसके पीछे की फिलोसफी यही है कि जब इंसान खुश होता है तो वो गॉड को भूल जाता है, भगवान को
इन ड्यूरिंग हैप्पीनेस एक इंसान जो है भगवान को भूल जाता है। तो जॉन मिल्टन पहले तो वहाँ पे कह रहे कि भाई मुझे खुशी दो खुशी दो खुशी दो, और फिर लास्ट ग्रो में इल पेंसेरेसो में जॉन मिल्टन क्या कहते हैं कि जो मेलनकोली मेरे पास आए अपने साथ क्या लेके आए, काम शांति को लेके आए ना, सन्नाटा शांति को लेके आए, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं जॉन मिल्टन फिर किसने बताते हैं आपको इल पेंसेरेसो में। तो बेसिकली जो दोनों पोयम है, ये दोनों पोयम जॉन मिल्टन ने जो लिखा इल पेंसेरेसो और ला एलिग्रो, ये एक इंसान के दो अलग अलग टाइप को बताता है। एक इंसान किस प्रकार से थिंक कर देता है, एक इंसान चीज़ों को किस तरीके से देखना चाहता है, उन दोनों चीज़ को जो जॉन मिल्टन ने अपनी फिलोसफी 1631 में बताई थी वो यहाँ पर आप सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अगला जो हमारे सामने टाइटल है उसका टाइटल का क्या नाम है, टाइटल का नाम है पेपर लेबर, जैसा हो सकता है प्लीज चल। पेपर लेबर तो जल्दी देखो हार्ड ही होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा जो 31 जुलाई को TGP 2016 का पेपर हुआ बायोलॉजी का, जो एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम देकर निकले उनका कहना था कि पेपर का लेवल ऐसा था जैसे कि हमें साइंटिस्ट बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मैं भी एक आर्टिकल मैंने परसों ही पढ़ा था ना, तो हो सकता है भाई हमारा भी पेपर ऐसा ही आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ही ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या, सभी को, मैं खुद को यही कहता हूँ कि भाई अब एग्ज़ाम फोबिया हो रहा है हार्ट, हाँ एग्ज़ाम फोबिया होना भी चाहिए जल्दी, अगर एग्ज़ाम फोबिया ना हो तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एग्ज़ाम फोबिया किसे नहीं होता है जो पढ़ता नहीं है, अगर आप ना पढ़ो ना देखो आपको कोई डर नहीं लगेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज से आप पढ़ाई छोड़ दो जल्दी आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। कॉमर्स क्या है, मास्क प्रेजेंटेड एट लुडो कैसल 1634 में इसको लिखा गया, एक मास्क है। ठीक है, चेस्टिटी के ऑनर में इसको लिखा गया था। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन, देखो ये मिकलेमस जो है एक वहाँ का त्यौहार टाइप का कोई चीज़ होता है। हाँ पेपर इजी होगा तो एक चीज़ और भी जानते रहो दोस्तों, पेपर इजी होगा तो कट ऑफ आ ही जाएगा, ये भी बात है ना, तो पेपर इजी हार्ड के चक्कर में ना पढ़ के आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, तो एक अर्ल है ब्रिज वाटर के, उनका क्या नाम है, बेसिकली उनका नाम आपको यहाँ पे मिलेगा जॉन एगर्टन। क्या नाम है उनका, जॉन एगर्टन है, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एट लुडो कैसल इन सेलिब्रेशन ऑफ अर्ल्स, जो वहाँ के पहले अर्ल थे, ध्यान देना जो वहाँ के पहले अर्ल थे उनको जो है वेल्स, इंग्लैंड में ही एक वेल्स जगह है, उनको वहाँ का लॉर्ड प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, उनको क्या बना दिया गया वहाँ पे, लॉर्ड प्रेसिडेंट बना दिया गया, और जॉन एगर्टन क्या हो गया फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर जो थे। तो नॉन कोलोक्वियली एज कॉमस द मास्क एक्चुअली फुल टाइटल, देखो मास्क का फुल टाइटल देखो आप सभी लोग, ये इटैलिक लेटर में लिखा गया, और मास्क प्रेजेंटेड मैं इसको हाईलाइट करूं, अब मास्क प्रेजेंटेड ये पूरा है यहाँ तक ना, इसको पढ़ो, अब मास्क प्रेजेंटेड एट लुडो कैसल 1634 ऑन मिकलमास नाइट बिफोर द राइट ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। ठीक है जी, जॉन अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर विस्कॉन्ट ब्रेकली लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स एंड वन ऑफ हिज मेस्टीज मोस्ट ऑनरेबल प्रीवियस काउंसिल। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट टाइटल है, आपको लर्न नहीं करना है, बस आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कॉमर्स को लिखा तो गया था 34 में, बट ये पब्लिश हुआ था 37 में। कॉमर्स वॉज प्रिंटेड एनोमिसली बिना नाम के छपा था इन अ क्वार्टो इशूड बाई बुक सेलर हम्फ्री रॉबिन्सन, मिल्टन इंक्लूडेड द वर्क्स इन हिज पोएम 1645 एंड 1703। ठीक है, बाद में इसको मिल्टन अपने 45 वाले वर्क में भी पब्लिश करवाते हैं। अब है क्या कॉमर्स है क्या, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो द प्लॉट कंसर्न्स टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स सिंपली कॉल्ड द लेडी, तो इसमें दो भाई और एक बहन की कहानी रहती है, जो बहन का क्या नाम है द लेडी, जो द लेडी इनकी बहन रहती है वो, बाकी एक वुड्स जाते, मैं आपको ऐसे ब्रीफ में बता दूँ, एक नट्स में बता दूँगा आपको कहानी। तो दोनों भाई और उनकी बहन जिसका नाम द लेडी था, वो एक वुड्स में जाते, जंगल से जा रहे थे, और उनकी बहन क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और उसकी बहन को जो है एक बदतमीज इंसान, हाँ सेट इन बिल्कुल माइंड में सेट रहते, तो उसका नाम था कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स जो क्या करता है, द लेडी को क्या कर देता है, पकड़ देता है उसको वहाँ पे, किडनैप जैसे चीज़ें कर देता है उसको, मतलब अपने कब्जे में कर देता है। ठीक है, हु इज डिस्गाइज्ड एज अ विलेजर्स एंड क्लेम्स ही विल लीड हर टू हर ब्रदर। तो कॉमर्स क्या है, वहाँ पर एक गांव वाले के रूप में बन के आया हुआ है,
और उससे कहता है द लेडी से कि मैं तुम्हें अपने भाइयों के पास ले चलूंगा, ठीक है। डिसीव्ड बाय हिज एमेबल कॉन्टेकेंस द लेडी फॉलोज हिम ओनली टू बी कैप्चर्ड ब्रोट टू हिज प्लेजर प्लेस एंड विक्टिमाइज्ड बाय हिज नेक्रोमेसी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉमस जो है उसको बहुत तरीके से वो करता है, सिड्यूस करने की कोशिश करता है ना, किसी तरीके से उससे फिजिकल चीज़ों को होने की कोशिश करता है लेडी के साथ। बट लास्ट में जो होता क्या है, वो उसके भाई आ जाते हैं, उसको बचा लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्रोमेसी एक टर्म आपके सामने आया हुआ है, इसको आप सभी लोग ध्यान देना। नेक्रोमेसी का मतलब होता है काला जादू, ठीक है। नेक्रोमेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, काला जादू। वन वर्ड सभी ट्यूशन का हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्रोमेट का मतलब क्या हो जाएगा, वन पर्सन हु परफॉर्म्स ब्लैक मैजिक, उसको हम सब नेक्रोमेट कहते हैं, नेक्रोमेसी को कहते हैं काला जादू करने वाले को। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो 1637 में इनका एक और वर्क आया था लुसीडस ना। अच्छा अच्छा बारिश, हाँ बारिश तो हो रही है, इधर भी मौसम खूब खराब हुआ है, ठीक है। चलो बस ये प्रे करो सभी लोग कि एग्जाम के दिन बारिश ना हो, वरना सेंटर तक जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। चलो लुसीडस वर्क जो है इनका 1637 में आया, ठीक है। एक पेस्टोरल एलर्जी या पेस्टोरल एलर्जी आप सभी लोग जानते होंगे, एक शेफर्ड मौन करता है दूसरे शेफर्ड की डेथ पर। दिस मोनोडी जी डेमोक्रेसी मतलब काला जादू, दिस मोनोडी इज डेडिकेटेड टू मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग कौन है, जॉन मिल्टन के दोस्त थे जो कि कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, जो कि एक शिप ड्राउंड में शिप रेक में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, कहाँ पर, आयरिश सी में, जब वो कहाँ जा रहे थे, वेल्स जा रहे थे अपने घर की ओर, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। एडवर्ड किंग दोस्त थे इनके, कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे, आयरिश सी समुद्र का नाम है, अपने घर वेल्स की ओर जा रहे, अपने घर जा रहे थे ना, जब इनका जहाज वेल्स के कोस्ट से निकला तभी इनका 37 में जो है वो जहाज डूब जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कुछ लाइंस दी गई है, एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेच आउट ऑल द हिल्स एंड नाउ वाज ड्रॉप्ड इनटू वेस्टर्न बे, एट लास्ट ही रोज एंड ट्विस्ट द मेंटल ब्लू टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू, ठीक है। तो ये इसकी कुछ पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट देकर रख दीजिए अपने पास। ठीक है चलो, तो ये सीडस के बारे में हो गया, और सीडस से कोई वैसा कुछ खास क्वेश्चन मिलता नहीं है ना, और तो कोई खास क्वेश्चन सीडस से आपको मिलेगा नहीं बनता हुआ, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको यहाँ बता दिया। चलो अगला इनके सामने आता है डिफेंसिया डिफेंसन सेक्यूंडा। डिफेंसन सेक्यूंडा क्या होता है, इनका 1645 में एक पोलिटिकल ट्रैक्ट था जो कि सिक्वल था, इसको सेकेंड डिफेंस भी कहते, मैंने आपको बताया था डिफेंसी प्रो, ये क्या था, फर्स्ट डिफेंस था, ये फर्स्ट डिफेंस है इनका 51 में आया था, ये सेकेंड डिफेंस है इनका 54 में आया था। इट इज अ डिफेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री रिजिम बाय देन कंट्रोल्ड बाय ओरिवल क्रोमवेल एंड आल्सो डिफेंस ऑफ हिज ओन रेपुटेशन अगेंस्ट रॉयल्टीज ट्रैक्ट पब्लिश्ड अंडर द नेम सेल्मस 1652 एंड अदर्स क्रिटिक्स रोजेज अगेंस्ट हिम। तो बेसिकली ज़्यादा डिफेंसन जो सेकेंड डिफेंस है कुछ खास है नहीं इनका, आप इसको एक लाइन में ऐसे याद कर लो कि सेकेंड डिफेंस जो इनका क्या है, जॉन मिल्टन का एक ऐसा वर्क है जिसमें जॉन मिल्टन ने जो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को क्या किया, उन्होंने उसको खारिज किया। जो जॉन मिल्टन, ओलिवर क्रोमवेल इन सब के ऊपर जितने भी, जी मिल्टन गैलियो से किस डेट में मिले थे, प्लीज टेल। अच्छा ठीक है, तो ये इनका बात हो गया इसके बारे में। ठीक है, ऐसा जो जॉन मिल्टन गैलरियो से कहा जाता है 1638 ना, 1638 वो ईयर है, आप जान सकते हैं 1638 में जॉन मिल्टन जो है एक साइंटिस्ट से मिलते, इसका नाम है गैलरियो, ठीक है। ये माना जाता है यहाँ पर 1638 वो साल था, ठीक है। चलिए तो आज आप सब इतना करिए ना, आज आप सब इतना करिए, इतना आज के सेशन के लिए काफ़ी होना चाहिए, फिर हम सब फिर कल मिलेंगे,
तो कल आगे कुछ और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब सेशन सिलेबस तक हमने डिस्कस कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ग्रामर में कोई भी दिक्कत होती होगी, ठीक है जी, हाँ जी, तो 9 बजे प्रेपोजिशन की क्लास चलेगी। प्रेपोजिशन पूरा कॉन्सेप्ट 1 घंटे में आपको बता दूंगा। प्रेपोजिशन मतलब कि प्रेपोजिशन इन द सेंस फिक्स्ड प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, 9 बजे रात में, 9 PM ना। उसके बाद 10 PM मैं आप सभी को बताऊंगा वर्ड फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में जान जाओ। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे पहचानोगे सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, आप नाउन से वर्ब कैसे बना सकते हो। इन सारी चीज़ों को हम सब डिस्कस करेंगे आज 10 बजे वाली क्लास में। 10 PM पर मिक्स्ड मैराथन भी, ठीक है, जल्दी जैसी आपकी मर्जी मिक्स्ड मैराथन मैं जरूर कर कोशिश करूंगा रात को 9 से 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद फिर 11 PM पर हमारा ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर का प्रैक्टिस मतलब रात के 9 बजे से 12 बजे तक जो है शानदार क्लासेस आपको विंसम क्लासेस पे देखने को मिलेगी। 3 घंटे अलग अलग टाइटल्स पे मैराथन ही समझना इसको, ठीक है। तो मिक्स मैराथन को भी हम सब कंसिडर करते हैं, मिक्स मैराथन हमारी सिर्फ प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो कल हम सब ग्रामर का मिक्स मैराथन जरूर रखेंगे, ठीक है, एक दो मैराथन एक ग्रामर के लिए एक लिटरेचर के लिए। तो बात समझ में आ गई दोस्तों आपको, ये हमारा रात का स्केड्यूल रहेगा, नोट कर लो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मस्त अपना खाना वगैरह खा पी कर डिनर करके, ठीक है, घर वालों से गुड नाइट बोलकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अलविदा लेकर मस्त जुड़ जाना आप सभी लोग 9 बजे से। और प्रेपोजिशन तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, इतने क्वेश्चन आज हम प्रेपोजिशन के कर देंगे, अगर आप उसको कन्फर्म अच्छे से याद कर लोगे तो प्रेपोजिशन में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आने चाहिए। 3 नून, अच्छा मैराथन का टाइम, अच्छा 2 पर चलिए, अच्छा ठीक है, जल्दी उसको भी देखते हैं ना। टाइम जो भी होगा मैं आपसे बता दूंगा, ठीक है। आज तो अब आज तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस भी रेडी करने होंगे। तो 9 से 12 आज रात तो हम सब पढ़ेंगे ही, 12 नहीं 11:30 ही मानते, ग्रामर प्रैक्टिस ही है, 20-25 क्वेश्चन करेंगे हम सब ना। चलो फिर आज सेशन को खत्म करते हैं। अब रात के 10 बजे से हमारी 9 बजे से क्लासेस फिर आप सब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।